हेलो दोस्तों, तो हम लोगों के रामनवमी शोभा यात्रा के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए अभी हम लोग का गाड़ी इधर है, आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं। अभी हम लोग लगभग जैना मोड़ बस पहुंचने वाले हैं। सुबह सुबह निकले घर से 5:30 या 5 बजे। कल दिन भर लड़का लोग खटा है, उसका तो लाइव हम किए ही थे, तो आज ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिए अभी से। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में सारा साउंड वाला आइटम टोटल इसमें लोड है। लाइट वाला आइटम जो है वो किसी और में, और एक्सपीयर वाला जो डीजी होता है वो किसी और गाड़ी में। मतलब टोटल 3 गाड़ी आएगा हम लोग का। अभी एक गाड़ी में लाइट का आइटम लोड हो रहा है, ये साउंड वाले में अभी डीजी वगैरह लोड होगा, इसलिए इसको ले लिए हैं। और ये हमारे टाण बालेटी के भैया लोग हैं, ये सभी कोई साथ में ही आ रहे हैं। वो देखिए फोर व्हीलर जो है वहाँ पर खड़ा, वो फोर व्हीलर है, उसी से हम लोग भी साथ साथ में चल रहे हैं। और इधर देखिए अभी गाड़ी में डीजल लिया जा रहा है, फिलहाल चलेंगे अब यहाँ से। यहाँ से दोस्तों डीजल लेके हम लोग निकलेंगे, उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट अब टाण बालेटी टोल प्लाजा का लोकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में बने हुए रहिए, और चलिए देखते हैं कि इस साल का रामनवमी का सेटअप कैसा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं टाण बालेटी टोल प्लाजा। देखिए आप लोग बोकारो, तो गाड़ी को लगाया जाएगा यहीं पर, यहीं पर बॉक्स बनाएगा। तो सारा बॉक्स उतरवाने के बाद दोस्तों हम लोग आ गए हैं वो मोड़ में, मार्केट में, जहाँ पर डीजी लोडिंग करना था हम लोग को। 250 KVA का डीजी पार्टी लोग बात करके रखे हुए थे, जो कि हाइड्रा से लोडिंग होना था हम लोग के LPT में, जो कि ट्रक था 12 चक्का, उस पर यह डीजी को लोड कराने में ही अच्छा खासा समय चल गया हम लोग का। लगभग मान के चलिए वो डीजी वाले भैया वो लेट से आए, बहुत ज़्यादा लेट से आए, तो लगभग 12 बज गया था दोस्तों लोडिंग कराते कराते। आप लोग देखिए हाइड्रा से डीजी किस तरह करके लोड कराया जाता है ट्रक पर। इस डीजी के लिए दोस्तों ये सारा लेट हुआ, और इस डीजी के कारण ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ हम लोग को। क्या बोले, ये अपना एक ऑपरेटर देने वाले थे इस डीजी का, लेकिन वो दिए नहीं, और कुछ ना कुछ तो दिक्कत था डीजी में। वो अचानक वोल्टेज जो है उसका ड्रॉप हो जा रहा था, 150 हो जा रहा था, कभी कभी 400 वोल्टेज चला जा रहा था। तो वही सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इस डीजी के कारण। इसीलिए दोस्तों आप लोग देखिएगा अभी आगे रोड शो में कि हम लोग का डबल डीजी चलेगा। ये डीजी को ना ही चलाएं हम लोग, और अपना जो नया 62 KVA लिए हैं, एक वो और एक पुराना 62 KVA, दो पीस 62 KVA से ही सेटअप को पूरा चलाएं। हालांकि दो पीस 62 KVA सेटअप के लिए बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसी से काम करके पार किए। हाँ तो दोस्तों हम लोग का अभी लगभग बॉक्स चढ़ चुका है सारा, अब वो सिर्फ ट्यूटर बचा हुआ है। इसके बाद अब सब लड़का लोग खाना खाने के लिए बैठा हुआ है, और इधर वायरिंग का काम हो रहा है। अब लोग को दिखाते हैं, और रात अच्छा खासा हो गया, 11+ हो गया सेट अपलोड करते करते। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ वायरिंग का काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये सब हो रहा है तैयारी लाइट के लिए, कंप्लीट हो ही चुका है। अब ट्यूटर लगेगा साइड से, उसके बाद कनेक्शन होगा, एक बार झाड़ के बजाएंगे, फिर आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ब्लॉग में बने हुए रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज 17 तारीख का सुबह हो गया है, और हम लोग का सेटअप लगभग कम्प्लीट हो चुका है, तो सिर्फ अब लाइट लगाना बाकी है। तो चलिए आइए आप लोगों को सेटअप दिखाते हैं। लाइट बंधा रहा अभी, इसके बाद साउंड चेक भी सुनाएंगे आप लोगों को। वीडियो में बने हुए रहिएगा, देखिए। चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सेटअप कुछ इस तरह है।
साइड में सेटअप लोडिंग हो ही रहा है अभी, तो लाइट लग रहा है। एम्पलीफायर वगैरह कनेक्शन हो चुका है, बस अब चेक करना बाकी है। আমি যখন আসছি তখন রাস্তা তো আপনাকেই ছাড়তে হবে। तो दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग का गाड़ी रोड शो के लिए निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, आधा मशीन बंद हो गया था वो डीजी और लोड के कारण। तो फिर यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ से जो रोड शो स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए यहाँ का भीड़ और जो है क्राउड पब्लिक का कितना इन्जॉय किए हैं सभी भाई लोग, और कितना ज़्यादा भीड़ है वो भी देखिए आप लोग। बहुत सारे भाई लोग तो कमेंट करते हैं कि सभी पॉपुलर डीजे वाले चले गए हैं डाल्टनगंज तो यहाँ भीड़ नहीं आएगा, तो वो सब के लिए देखिए वीडियो क्लिप है
कि भीड़ है कि नहीं आप ही लोग बताइए। तो दोस्तों सारा रोड शो ख़त्म जाने के बाद हम सोचे कि आराम करेंगे दोस्त के रूम में। तो देखिए दोस्त के रूम के बाहर में ये महाराज आराम कर रहे थे, तो हम बोले इन्हीं को आराम करने देते हैं। यही दोस्त का रूम था एक छोटा सा, वहाँ पे एक करेत सांप है जो कि देख के इसको फिर हमको आराम करने का और मन ही नहीं किया। तो हम निकल चुके फिर अपना माल को अनलोडिंग कराने के लिए, बॉक्स खुलवाने के लिए। देखिए तो हम लोग का जो बॉक्स जो है वो देखिए लगभग आधा उतर चुका है। रात में सब लड़का लोग सो गया था, सुबह सुबह उतारा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थकावट हुआ था सबका इसीलिए। और देखिए यहाँ पे सभी बॉक्स उतारा जा रहा है और एक गाड़ी में यहीं पे ही लोडिंग हो रहा है क्योंकि हम लोग का फिर नेक्स्ट डे मतलब 18 तारीख को बाराती का काम था, इसलिए चारों सात पे वहीं से बॉक्स उतार के उस पर ही लोड किया जा रहा था टाणा बाली डी में ही।